भारतीय क्रिकेट टीम तेज गेंदबाज आगरा के लाल दीपक चाहर की टीम इंडिया में फिर से वापसी हुई। दीपक की वापसी ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच होने वाले मैचों के लिए हुई है। दीपक चाहर को विश्व कप खत्म होने के बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दो T20 मैचों के लिए भी टीम में शामिल किया गया था। आगरा के तेज गेंदबाज दीपक चाहर की स्विंग गेंदबाजी एक बार फिर याद आ गई। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने एक बार फिर से दाएं हाथ के तेज आउटविंग गेंदबाज दीपक चाहर को टीम इंडिया में फिर से शामिल किया है। दीपक चोट के कारण टीम से बाहर हो गए थे, लेकिन एक बार फिर से बोर्ड को दीपक की स्विंग की याद आ गई। दीपक चाहर ने वनडे में अपना डेब्यू मैच 25 सितंबर 2018 को अफगानिस्तान के खिलाफ खेला, जबकि T20 का डेब्यू मैच 8 जुलाई 2022 को इंग्लैंड के खिलाफ खेला। दीपक चाहर ने अब तक 7 वनडे मैच और 24 T20 मैच खेले हैं, जब वनडे में 179 रन भी बनाए हैं। वनडे में अब तक दीपक ने 10 विकेट झटके हैं, जबकि T20 मैचों में अब तक 29 विकेट हासिल किए हैं। सी न्यूज के लिए विनोद जूनियर की रिपोर्ट।